जय गौ माता की, जय भारत माता की। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ज्योतिष साधना केंद्र में आप लोगों का स्वागत है। आप हमारे चैनल से जुड़िएगा। और आज का हमारा जो विषय रहेगा दोस्तों, वो मंदिर से जुड़ा हुआ है। और यदि घर में भी मंदिर है या फिर आपका आप किसी अन्य मंदिर में भी जाते हैं, तो ये बड़ा गहराई का विषय है। और मैंने अक्सर इस गलती को करते हुए तकरीबन हर व्यक्ति को देखा है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये गलती नहीं करते हैं, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा तकरीबन जो हमारा पूजा पाठ है, जाप है, अनुष्ठान है, वो सभी इसी के ऊपर निर्भर रहता है। और आप अगर पूरी जानकारी आप चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आइए चर्चा करते हैं वो गलती हम लोग ऐसी क्या करते हैं और उसका क्या कारण है और उसके क्या जो है बुरे परिणाम रहते हैं। वो विषय है हमारा प्रसाद को लेके। अक्सर हम लोग मंदिर में जाते हैं, कोई मिष्ठान या कोई मिश्री या पतासे का प्रसाद लेकर अक्सर जो है माँ भगवती या फिर भगवान के मंदिर में, किसी भी मंदिर में हम लोग जाते हैं, तो एक ही प्रसाद को भोग लगने के बाद हम लोग यदि उस स्थान पर अन्य और भी कोई मंदिर है, जैसे कि मान लीजिए माँ भगवती के साथ में शिव मंदिर है, माँ बगलामुखी मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, राम जी का मंदिर है, तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि उसी प्रसाद को हम लोग हर जगह पे रिपीट करते हैं। यानी कि जैसे मंदिर के अंदर गए और भोग लगवाया, उसी प्रसाद को हम लोग लेकर अन्य जो देवी देवताओं पर ऐसे चढ़ाने का प्रयास करते हैं, जो सरासर गलत है। इसका कारण क्या है? धर्म क्या कहता है कि यदि हम एक अपना झूठा भी अगर भोजन हम किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं तो उसका भी हमें पाप लगता है, चाहे वो संतान है, चाहे वो भाई है, बहन है, माता पिता है। यदि किसी को भी अगर हम अपना झूठा प्रसाद देते हैं या भोजन देते हैं तो उसका भी हमें जो है दुष्परिणाम ही मिलेगा, और उसका हमारे ऊपर कहीं ना कहीं हमें परमात्मा की कृपा को देखना पड़ता है। केवल एक पत्नी ही ऐसी है कि जो इस प्रसाद को या भोजन को यदि हमने खाया है वो ग्रहण कर सकती है, लेकिन शास्त्र में उसको भी मनाही की गई है। पर हमारे धर्म का, सनातन धर्म का एक बड़ा अद्भुत सुंदर दृश्य रहा है कि हमारे धर्म में जो है पत्नी जो है पति का अक्सर झूठा खाती है। और जब ये चीजें हमारे घर में अलाउड नहीं होती है, हमारे शास्त्र में अलाउड नहीं होती है, तो फिर हम ये गलती मंदिर में क्यों करते हैं? जानवर को भी डालना जो है शास्त्र में वर्जित है, गलत बताया गया है इसको, सॉरी गलत बताया गया है कि आप अपना झूठा जानवर को भी नहीं डाल सकते हैं। तो फिर आप सोचिए कि हम लोग देवताओं को, एक प्रसाद को हम बार बार जो हम देवताओं को भेंट करते हैं, एक माँ भगवती के द्वारा भोग लगाए प्रसाद को, तो ये गलती आप लोग मत करिएगा। क्योंकि आप लोग कर्म पूरा अपने निर्भर आप अच्छे तरीके से किया है, आपने पूरी तत्परता के साथ किया, आत्मनिर्भर होकर उस कर्म को आपने संपूर्ण किया है, पर अंत में इस गलती से आपका जो है पूरा का पूरा कर्म जो है असफल हो जाता है। और अक्षर दोस्तों एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि प्रसाद को, पैसे को ऐसे फेंकिएगा मत मंदिर में, क्योंकि भगवान को जो है वो श्रद्धा की आवश्यकता होती है, भाव की आवश्यकता होती है कि आप उस प्रसाद को, यदि आप सर्वप्रथम ही पहले देव देवता प्रसाद लेके जाते हैं, उसको बड़ी श्रद्धा के साथ आप लोग भोग लगाइएगा। ऐसे जगह जगह पे आप अलग अलग मूर्तियों पे ऐसे जो प्रसाद को बिखेरते हैं, तो इसी कारण से आप लोगों का बड़े से बड़ा किया गया कर्म है जो वो असफल हो जाता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है। आप भी स्वयं भी इसे जो है इस ज्ञान को अपने अंदर उतारिए और अन्य लोगों तक भी आप इसको शेयर करके वीडियो को पहुंचाइएगा। और हमारे ज्योतिष साधना केंद्र चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और भी अन्य विषयों के साथ फिर हम कोई अच्छी जानकारी लेकर आप लोगों के बीच में आएंगे, क्योंकि अब हमारा विषय रहेगा कि जितने भी गुणता हमारे सनातन धर्म में है वो जानकारी हम लोग ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि आज अक्सर हम एक चीज देखते हैं कि लोग है ना बड़े बड़े कर्म करने के बावजूद भी जो है उसी स्थान पर रह जाते हैं, उनका हमारे सनातन धर्म से विश्वास कम होता जा रहा है। क्योंकि बहुत ज्यादा कर्म करने पर भी जब हमारा कर्म सफल नहीं होता तो कहीं ना कहीं हमारा जो है विश्वास भी डगमगा जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों, जय माता दी, नमस्कार, जय गौ माता की।